गलती हो तो बहन या बेटी समझ के माफ कीजिएगा। हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, जो बच्चों को पढ़ाओ और उनपे शिक्षा ग्रहण कराओ ताकि हमारा समाज आगे जाके दूसरी जातियों को उनको मुंह तोड़ जवाब दो। बोलते हैं ना हमें कि हमारी जाति कितनी ऊंची है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। मैं बहनों को बोलना चाहूंगी कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए और उनको अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि घर में तो बहन ही अपने बच्चों को शिक्षा का करती है कि आदमी तो बाहर कमाने वाले होते हैं, और बहनों को घर में ध्यान रखना चाहिए अपना बच्चा क्या करे क्या ना करे। और एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आप नशा मुक्त करें। बहनें और भाइयों में बहुत सारे नशा करते हैं जो कि हमारी समाज में ये सबसे ज्यादा है। हम दूसरे जाति वाले हमारे समाज को बोलते हैं कि आपके समाज में कितने सारे ज्यादा नशा करते हैं। हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए, हमें भी उनको बोलना चाहिए कि देखो हम नशा वाले नहीं है, हम नशा मुक्त कर सकते हैं। बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे माँ ही शिक्षा देती है। स्कूल में तो देते हैं वो तो सबको पता है, पर घर में तो माँ शिक्षा देती है। बच्चे गलत रास्ते पे चलता है तो माँ को बोलना चाहिए बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ को ही बोलते हैं कि तू तेरे बेटे को कायदे में नहीं रखती। हमें ऐसा नहीं सुनना चाहिए। मैं भाइयों को कहना चाहूंगी कि आप सबसे एकत्रित हुए हैं तो यहाँ पे कोई भी बात होती है वो दूसरे समाज में जाकर ना बोले, समाज की बात समाज में ही लिखानी चाहिए। कोई ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे तो सुनते और गाड़ियों में बैठे बैठे बोलते हैं बहुत ऐसे किया तो आपने ऐसे किया, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे होता जो अच्छा के लिए होता है, पूरी शिक्षा थोड़ी ना मिलती है। जय जवान जय आदिवासी भील समाज। बहुत अच्छी बात।